आदित्य ये बताओ कि आज छुट्टी है क्या? शूटिंग हो गई है सारे काम आज? एक्चुअली शूटिंग नहीं है तो आज शो और तो आज कल। ही ऑनर हो रहा है ना? जी बिल्कुल, 9:30 बजे आज ऑन एयर आ रहा है, लेकिन अभी हमारे ऑडिशन राउंड चल रहे हैं अच्छा जो हम पहले से शूट करके आ चुके हैं, ओ इसीलिए आज हम साथ में बैठ पाए। और अब आज साथ में बैठे हैं तो मैं टीवी की गॉसिप जानना चाहता हूँ आपसे। चलो आपको लेटेस्ट गॉसिप सुनाती हूँ। जी सीरियल दी और बातें हम देखते हो? हाँ हाँ मुझे अच्छा लगता है उसमें एक वो एक लड़की है ना जो अपना मिशन पूरा करने आई थी। हाँ हाँ आरजू। आरजू काफी लंबी भी है वो। यस वो आरजू ना इस सीरियल में उनको थोड़ा आतंकवादी टाइप्स दिखाया गया, पता नहीं शायद बाद में कहानी में कोई ट्विस्ट आए, लेकिन एक्चुअल में ना रियल लाइफ में वो बहुत क्यूट है। अच्छा उनका नाम है प्राची। अच्छा और वो रहती है दिल्ली में। और सास बहू और सस्पेंस की टीम पहुंच गई उनके घर उनसे मिलने के लिए। अरे वाह, मिलवा रहे हैं आपको जरूर। चलो चलिए देखते हैं। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई छुल, ना तो आज सास है ना बहू है और ना ही पुलिस या भाभी का डर है, क्योंकि आज आरजू बिंदास है। आज आरजू पहुंची है अपने दिल्ली के घर और इसीलिए सास बहू और सस्पेंस भी पहुंच गया है आरजू यानी प्राची से उनके दिल्ली वाले घर में मिलने। तो चलिए देर किस बात की है, जल्दी से आपको भी मिलवाते हैं। हाय आरजू, वेलकम टू सास बहू और सस्पेंस। कैसा लग रहा है आरजू को इतने टाइम बाद अपने घर आके दिल्ली की बिल्कुल दिल्ली वाला महसूस कर रहे हैं आरजू? बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेदर बहुत अच्छा है दिल्ली का और अपनी फैमिली ब्राउनी से काफ़ी टाइम बाद मिली भोखरी अभी पीछे से और सब बहुत एक्साइटेड हैं। आस पास मेरे नेबर्स भी स्पेशली मुझसे मिलने आए आफ्टर कमिंग टू दिस प्रोफेशन। यू नो सबको लगता है कि हम भी मिले, पूछे जाने की कैसी है इंडस्ट्री, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दादी से मिली, उन्होंने मुझे बड़ी सारी ब्लेसिंग्स दी। आज इतने टाइम बाद थी ना तो कोई पुलिस या भाभी का डर भी नहीं है, भावों का डर भी नहीं है, आज आरजू बिंदास होके अपने घर में घूम रही है। बिल्कुल बिंदास होके घूम रही है, कोई झल्ली पना नहीं कर रही, कोई मुस्टंडी पना नहीं कर रही, किसी से उसको डांट नहीं पड़ रही है, नहीं तो ज़्यादातर भावों से वो डांट खाती रहती है या संध्या भाभी जान उस पर शक करती रहती है, तो आज मैं बिल्कुल बिंदास होके इंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। हम भी ज़्यादा देर नहीं करते और मैं भी चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को फटाफट अपना घर घुमाएं, अपनी फैमिली से मिलवाएं। तो चलिए मिलते हैं। मैं पहले तो मैं आपको अपना घर दिखा, ये है मेरा ड्राइंग रूम और यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी सारी मेरी ट्रॉफीज हैं जो मुझे एज चीफ गेस्ट या खेलते हुए मिली। ये मुझे सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आधी आबादी नाम के एक एनजीओ ने मुझे यू नो अवार्ड दिया था, ये जिसमें भावों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस एंड मुझे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मिला था। और उसी के एक हफ्ते बाद मुझे दिया और बाती के लिए ऑफर आया और मुझे नहीं पता था कि मैं भावों के साथ सेम स्क्रीन शेयर कर रही होंगी और वो मेरी सास बनने वाली है। ये मेरी कॉलेज डेज की हैं। ये पहला दिन था जब मैं डिस्क गई थी एंड पूरी ऐसे जैसे मेरा कैरेक्टर है ना आरजू का, मुस्टंडी सारी की सारी मुस्टंडी लग रही थी। मिली है मेरी माँ से बड़े बड़े दिनों बाद मिली हूँ मैं इनसे। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद वापस आई है तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग कि आए तो सब मिले और अब एक बिल्कुल चेंज लुक में तो बाय द वे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं जब दिल्ली छोड़कर गई थी मैं 92 केजीज की थी और आज मैं 78 केजीज की हूँ। और साथ वाले कमरे में है मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स, मेरी दादी, मेरी कज़न और मम्मी पापा बैठे हैं, तो आइए हम उनसे मिलते हैं। ये है मेरी दादी, ये है मेरा कज़न रक्षित, पापा और मम्मी। हाँ बहुत खेलती थी सारा दिन, हर एक चीज़ में बहुत होशियार थी। मैं तो नहीं, मेरी लड़की नाम करेगी, ये नाम कर गई, हमारा नाम रोशन कर दिया इसने। अच्छा मुझे कल गोली लगी फिर कैसा लगा? अरे मुझे तो मेरा जी घबरा गया, इसकी गोली देख के तो मेरा जी घबरा, सारी रात नहीं सोई। कुछ भी नहीं। वैसे तो मैं काफी टाइम बाद, काफी महीनों बाद एंटर कर रही हूँ किचन में। आई होप मैं गंदा ना करूँ क्योंकि मुझे मम्मी से बहुत झाड़ पड़ने वाली है। तो बनाते हैं 2 प्लेट दही बल्ले। यही नुकसान होता है जब आप टीवी पर तो आप बड़े अच्छे कुक नजर आते हो और एक्चुअल लाइफ में आप ये सारी चीजें करते हो।
किसने कहा प्राची को कुकिंग नहीं आती, किसने कहा कि प्राची फर्स्ट टाइम बना रही है, भाई सास बहू सस्पेंस के दर्शकों को तो प्राची ने खुश कर दिया है। मैं झल्ली पटाखा हूँ पटाखा, मैं झल्ली पटाखा हूँ पटाखा। सास बहू और सस्पेंस की पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और दर्शकों को मेरा दूसरा रूप, आरजू का दूसरा रूप दिखाया कि वो घर पर कैसी है और फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ प्रिया चौहान, इंडिया टीवी, दिल्ली।